हमारे भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि त्योहार आते रहते हैं और त्योहारों में जो खाने खिलाने का अपना ही मजा है। और अब तो रक्षाबंधन है, अब भाई भाभी भी तो बहुत खुश होगी, ननद घर पे राखी लेकर आएगी, घेवर लेकर आएगी, तो क्या हुआ आज भाभी भी तो कुछ स्पेशल ऐसा बना के खिलाएगी कि ननद भी मान जाए क्या स्पेशल चीज बनाई है। आप इसको चाहे मैंगो डेजर्ट कह लीजिए, मैंगो पुडिंग कह लीजिए, मैंगो आइसक्रीम कह लीजिए, चलिए नाम पे क्या रखा है, बस स्वादिष्ट होना चाहिए। पहले फ्रेंड्स हम लोग इसके लिए रबड़ी बना के तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने ये कॉफी वाला एक मग है, इसे भर के दूध दिया है, ये 250 ग्राम के लगभग है। फ्रेंड्स जैसे ही इसमें ये खोल आना शुरू होता है, मैंने इसमें ये 3-4 बादाम और 3-4 पिस्ते बारीक काट के डाल दिए हैं और इसके साथ में 2-3 इलायची का पाउडर भी डाल रही हूँ। ये सब चीजें ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें चाहे तो ना डालें, पर ये कि रबड़ी में अगर ड्राई फ्रूट्स ना हो तो मजा ही नहीं आता है, फिर हमें थोड़ा एकदम रिच लुक भी रहता है इससे। इसके बाद फ्रेंड इसको दूध को जल्दी गाढ़ा करने के लिए मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी भर के मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से कटोरी में एकदम मतलब गाढ़ापन सा एक क्रीमी लुक आ जाएगा इसका और हमें जल्दी ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करनी। अगर आपको प्रॉपर रबड़ी बनानी है तो आपको मैं 1 लीटर दूध ही लेना है, उसे धीरे धीरे गाढ़ा करना पड़ेगा, पर जैसे वक्त नहीं है और हम जल्दी करना चाहते हैं और स्वाद वैसे ही आएगा, उसमें कोई भी बात नहीं है। इसके साथ इसमें मैं एक चीज़ और डाल दूँगी जो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे रबड़ी तुरंत की तुरंत गाढ़ी हो जाती है, वो है मैं इसमें ले रही हूँ मखाने का चूरा। मैंने मिक्सी में कुछ मखानों को पीस लिया था और 2 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि हमारी रबड़ी 5 मिनट के अंदर गाढ़ी हो जाती है। देख रहे हैं मैंने जो 2 चम्मच करीब मखाने का चूरा डाला था उससे ये इसने बहुत जल्दी ये गाढ़ी होने शुरू हो गई है। अब एक नाइफ की सहायता से आप नाइफ की बैक साइड से अब जो किनारे जो पर जम गई है उसको हल्के हाथ से निकाल दीजिए, क्योंकि नॉन स्टिक है ये, इस तरह ये जो परतदार बीच जो मलाई आएगी वो बहुत अच्छी लगेगी। और ये जितनी गाढ़ी हो चुकी है बस हमें इतनी ही रखनी है, बहुत ज़्यादा जमीन नहीं लेनी। यहाँ पे अभी 2 आम लिए हैं, इनको मैं छील कर मोटा मोटा चॉप कर लूँगी, मतलब हमें उसकी इन 2 आम की मिक्सी में प्यूरी बनानी है। इसके अलावा मैं फ्रेंड 1 आम और लूँगी, उसको मैं काफ़ी बारीक छोटे टुकड़ों में काट के उसको मैंने अलग रख लिया है। अब ये मिक्सी में इनको प्यूरी बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने ब्रेड स्लाइस लिया है और उसको इस प्यूरी में एक करछी की सहायता से इसमें, और ये जो छोटा सा मैंने एक डिश लिया है अपना, इसमें मैं बिल्कुल हल्के हाथ से इसको रखूँगी। करछी इसलिए लिया है क्योंकि उस पर पूरा ब्रेड स्लाइस आ जाता है, अगर आप छोटी वाली चम्मच लेंगे तो मे बी ब्रेड टूट सकती है। आप जिसका जितना बड़ा बर्तन है आप उतनी ही स्लाइस इसमें एडजस्ट करिए। अब ये करने के बाद इसमें थोड़ी सी प्यूरी आप ऊपर से डाल दीजिए, उसको मतलब खाली स्थान को थोड़ा सा भर दीजिए। फर्स्ट लेयर बिछाने के बाद जो एक एक्स्ट्रा आम मैंने बोला था उसे बारीक फाइन चॉप करने के लिए अब एक स्पून की सहायता से मैं इसमें एक लेयर मतलब मैंगे के जो छोटे छोटे पीसेज की लगा रही हूँ, मतलब ब्रेड के ऊपर मैंगो की लेयर हो जाएगी। अब हम इसके बाद सेम प्रोसीजर अपनाएंगे फ्रेंड्स, यानी कि एक ब्रेड लेकर अगेन उसको मैंगो प्यूरी में डिप करेंगे आहिस्ता से और करछी की सहायता से उसकी सेकंड लेयर फिर दोबारा ब्रेड की हम लगाएंगे। फ्रेंड आप देखिएगा इसका बिल्कुल यूनिक टेस्ट आएगा। और बस मेरा इतना कहना है आपसे फ्रेंड, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक एक लाइक से हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और हमारा मन करता है हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के संग शेयर करें। इसके बाद अगेन फ्रेंड्स वो जो मैंगो की बचे हुए पीसेस थे वो इसके ऊपर एक लेयर हम लगा देते हैं। आप देखिएगा बिल्कुल यूनिक टेस्ट आएगा फ्रेंड, लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी हम इसमें और भी करेंगे तभी तो बिल्कुल यूनिक पुडिंग तैयार होगा। ये बनाई थी अब उसकी बारी है।
जो हमने से पहले से इसीलिए तैयार करके रख रखी थी। अब एक स्पून की सहायता है इसको ऊपर में एक मोटी मोटी परत, एक लेयर मतलब रबड़ी की हम बिछा देते हैं। अब आप देखिए फ्रेंड्स, इसमें जितना भी जगह है आप इसको आराम से फिल कर लीजिए खूब अच्छी तरीके से। बहुत अच्छी तरीके से रबड़ी लगानी है। मैं इसको थोड़ा सा टैप भी करूँगी ताकि रबड़ी अंदर तक इसकी चली जाए। अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी तो हमें और भी करना है ताकि ये देखने में इतनी अच्छी लगे कि सब मेहमान करें वाह भाई वाह, सब आपकी तारीफ के पुल बांध दें। मैं उसी मैंगो प्यूरी की जो बची है थोड़ी सी उसकी कुछ ड्रॉप्स मतलब इसके ऊपर कर रही हूँ। अब ये बीच में मतलब चारों तरफ आप थोड़ा थोड़ा सा इसे डाल दीजिए ताकि देखने में इसका लुक अच्छा लगने लगे। और वाइट के ऊपर येलो स्पॉट्स बहुत सुंदर लगते हैं। मेरे पास फ्रेंड्स कुछ रेड और ग्रीन कलर की चेरी है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये आप चाहें तो ड्राई फ्रूट से भी केवल कर सकते हैं मतलब, पर ये थोड़ा कलरफुल है तो बहुत अच्छा लगेगा इसलिए। अब इसको आपको फ्रिज में 2 घंटे रख के बिल्कुल चिल्ड करना है, फ्रीजर में नहीं बस फ्रिज में, फिर इसे खाइए। इसको आप सर्व करेंगे ना तो बहुत लाजवाब, सब तारीफ की पुल ही बांधेंगे।